गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं विक्रम आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम कॉमर्स स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में बेटा जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने चैप्टर थर्टीन लेजर डी के गोयल सर की बुक से स्टार्ट कर रखा था जिसके हम दो लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं ये थर्ड वन लेक्चर है जिसमें आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे और उनसे लेजर पोस्टिंग हम लोग साथ साथ सीखेंगे ठीक है लेजर पोस्टिंग के साथ साथ मैं आपको उनको क्लोज करने के रूल्स भी डिस्कस करूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और चलते हैं इलेट्रेशन वन पर उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट द चैप्टर जो अब तक हमने कर लिया देखिए हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने चैप्टर थर्टीन लेजर से जो चीजें डिस्कस कर ली उनके बारे में हम अगर चलें थोड़ा सा आगे तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो डिस्कस किया वो क्या किया था मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर के बीच में क्या डिफरेंस है और हमने सेकंड जो लेक्चर सॉरी फर्स्ट लेक्चर में हम ये दो चीजें डिस्कस कर चुके थे सेकेंड लेक्चर में हमने फॉर्मेट ऑफ लेजर देखा था और पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल देखा था आज हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर वन डिस्कस करेंगे उससे हम लेजर बनाना सीखेंगे और उन लेजर्स को कैसे क्लोज किया जाता है यानी क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो मेन हमारा जो रहेगा आज क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स रहेगा फ्रॉम जर्नल टू लेजर पोस्टिंग रहेगी और उनको क्लोज करके जो बैलेंस निकलेंगे सम हाउ हम उनसे एक नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे जिसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस ठीक है तो कोशिश करेंगे कि यहां तक अपना टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर पाए तो हम लोगों ने जो जो डिस्कस कर लिया मीनिंग एंड डेफिनेशन नीड एंड इम्पोर्टेंस देर आफ्टर एडवांटेजेस ऑफ लेजर हम लोग देख चुके थे डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंटी लेजर इनके बारे में हमने कुछ बेसिस के साथ डिफरेंस पढ़ लिए थे प्रोफोर्मा हमने डिस्कस कर लिया था एंड रूल्स ऑफ पोस्टिंग एज वेल एज कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने पोस्टिंग करना सीख लिया था और आज हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर वन से कंटिन्यू करेंगे नंबर को हम लोग देखेंगे और मैंने आपको कहा था कि एक बार इसको खुद से करके जरूर देखिएगा इसे जर्नल बनाकर देखिएगा लेजर बनाकर देखिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं दैट इज नाइन चलिए कोई बात नहीं हम लोग इस इलेस्ट्रेशन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं देखिए इलिस्ट्रेशन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर जो हम लोगों ने नाइन्थ डिस्कस किया था वो प्रॉपरली आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज करनी आपको आनी चाहिए तो मैं पहले एक बार जर्नल एंट्रीज आप साथ इसके डिस्कस कर लेता हूं देर आफ्टर हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे हमने कि सही किया और फिर उससे लेजर पोस्टिंग हम लोग सीखेंगे ठीक है तो 2023 अप्रैल 1 को सिया एंड सन्स सिया एंड सन्स कमेंड बिजनेस विद कैश कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इसका एनालाइज करना आना चाहिए यहां पर आपके पास एक तो अकाउंट यूज हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट यूज हो रहा है आपका कैपिटल अकाउंट यानी सीआरएम एंड का कैपिटल अकाउंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ठीक है हम सारी जनरल एंट्री वेरीफाई करेंगे फिलहाल आप देखिए दो लाख रुपए के साथ हमारी एक एंट्री यहां पर हम पास कौन कर देंगे नरेशन हो जाएगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय सीआरएम एंड सन्स राइट अप्रैल थर्ड को अगर हम देखें परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ऑफिस फर्नीचर खरीदा है नगद तो हमारे पास एक तो कैश अकाउंट यूज हो रहा है और दूसरा फर्नीचर अकाउंट ऑफिस फर्नीचर अकाउंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है दोनों के दोनों रियल अकाउंट है फर्नीचर आ रहा है कैश जा रहा है तो इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट हम लोग लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नरेशन हो जाएगी फर्नीचर परचेज फॉर कैश और अमाउंट हो जाएगी रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड डेबिट में ट्वेंटी थाउजेंड क्रेडिट में इज इट ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर अप्रैल फिफ्थ परचेज गुड्स फॉर कैश हमने नगद सामान खरीदा पचास हजार रुपए का अब गुड्स खरीद रहे हैं तो देखिए गुड्स खरीदने के लिए एक तो हमारा कैश हमारे पास से जा रहा है दूसरा गुड्स के खरीदने के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं परचेजिज अकाउंट तो परचेजेज अकाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा तो परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है तो जनरल एंट्री हो जाएगी परचेजिज अकाउंट डेबिट परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं रुपीज फिफ्टी थाउजेंड की तो पचास हजार परचेज में पचास हजार कैश में हमारे आ जाएंगे नॉट अप्रैल एट को परचेज गुड्स हैं फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड फ्रॉम मोहन गारमेंट्स दोनों से खरीद रहे हैं अब नाम दिए हुए हैं कैश लिखा नहीं है तो इसका मतलब हम ऑन क्रेडिट ये गुड्स खरीद रहे हैं उधार में खरीद रहे हैं तो

पच्चीस हजार सोलह हजार विशाल ट्रेडिंग और मोहन गारमेंट्स में दोनों को प्लस करके लिख देंगे दैट इज इन अकाउंट चलिए अप्रैल को देखिए रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी जो हमने विशाल ट्रेडिंग से गुड्स खरीदी थी उनमें से कुछ हम वापिस कर रहे हैं तो अब रिसीवर विशाल ट्रेडिंग हो जाएगा तो यहाँ पर एंट्री में विशाल ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएंगे डेबिट टू हम क्या लिख देंगे परचेजेज रिटर्न अकाउंट हम गुड्स वापिस कर रहे हैं वो जो हमने खरीदी थी कितने रुपए का पांच हजार रुपए का तो पांच हजार रुपए की गुड्स का हम ये जर्नलाइज कर देंगे पांच हजार पांच हजार फॉर्मेट ऑफ्सो आपको बनाना आता है जनरल का जनरल का फॉर्मेट में हमारे पास क्या क्या कॉलम होते हैं बेटा एक बार देख लीजिए आप फॉर्मेट बनाकर एंट्री करेंगे पहला कॉलम आपका डेट का होता है दूसरा पार्टिकुलर्स का फिर लेजर फोलियो और फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट टोटल वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम्स एक जनरल के फॉर्मेट में होते हैं राइट चैप्टर नाइन में हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था कि आपको ये क्लियर भी होगा और समझ में भी आ रहा होगा चलिए आगे चलते हैं पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल फुल सेटलमेंट सेटलमेंट देखिए में हम उसके अकाउंट्स की पेमेंट कर रहे हैं और आफ्टर डेटिंग फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट तो बताइए मुझे देना कितना है विशाल ट्रेडिंग को पच्चीस हजार रुपए का हमने गुड्स परचेज किया था इससे पच्चीस हजार का जिनमें से पांच हजार का हम इसको वापिस कर चुके हैं तो पांच हजार के रिटर्न होने पर हमारे पास नेट जो है अमाउंट बची है बीस हजार जो हमें विशाल ट्रेडिंग को पेड करनी है और उसको ये पैसा हम पांच परसेंट कैश डिस्काउंट यानी कि वन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट काट कर वापिस कर रहे हैं दैट इज नाइनटीन थाउजेंड की हमसे पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट विशाल ट्रेडिंग को हो रही है तो विशाल ट्रेडिंग रिसीवर हो जाएगा एंट्री क्या हो जाएगी विशाल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ठीक है विशाल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए की इसको देने कितने थे हमें बीस हजार रुपए और हमारे पास से कैश कितना गया है दैट इज टू कैश और हमने डिस्काउंट इससे रिसीव किया है इन फुल सेटलमेंट हमने पैसा दिया है तो रिसीवेंड एज ए डिस्काउंट इज इट क्लियर जनरल एंट्री आपको बखूबी आनी चाहिए तभी हम लेजर बना पाएंगे अदरवाइज लेजर बनाने में हमें दिक्कत हो सकती है अप्रैल फिफ्टीन सोल्ड गुड्स फॉर कैश आप नगद सामान बेच रहे हैं अब बेचने पर कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा दैट इज अप्रैल 15 के लिए हम ट्रांसेक्शन लिख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू और गुड्स बेच रहे हैं तो कौन सा अकाउंट आ रहा है सेल्स अकाउंट आ रहा है कितने रुपए का सामान बेच रहे हैं फोर्टी थाउजेंड रुपीज का ठीक है फोर्टी थाउजेंड रुपीज की हमारी ये जर्नलाइज हो जाएगी अप्रैल एटीन में देखिए सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट हीरो लिमिटेड को हमने गुड्स बेची है तो रिसीवर हीरो लिमिटेड हो जाएगा हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्योंकि नगद नहीं बेची हमने उधार में ही बेची है नाम आया है तो टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट अब कितने का गुड्स था थर्टी थाउजेंड का टेन परसेंट डिस्काउंट हम इसमें से काट देंगे दैट इज थ्री थाउजेंड तो कितने का सामान बच जाएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का तो सत्ताईस हजार रुपए की गुड्स हमने इनको सेल की है ट्रेड डिस्काउंट को आपको बताया हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं ठीक है ट्वेंटी अप्रैल में देखिए बिजनेस फॉर पर्सनल यूज कैश और गुड्स विद्रॉ की है देखिए अगर कैश विड्रॉ करें या गुड्स विद्रो करें दोनों के लिए हम क्या अकाउंट यूज करते हैं, हैं। पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे निकाल रहा है गुड्स निकाल रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट तो टोटल ड्रॉइंग कितने की हो रही है दस प्लस चार चौदह हजार की जिसमें से कैश कितना विदड्रॉ किया है टेन थाउजेंड और गुड्स कितनी निकाली है तो उसके लिए हम यूज करेंगे परचेजेज अकाउंट कितने की गुड्स निकाली है चार हजार रुपए की ठीक है अप्रैल बीस तक कोई दिक्कत नहीं है आइए पर चलते हैं पेड टू मोहन मोहन गारमेंट्स गारमेंट्स एंड डिस्काउंट को हमने सात हजार आठ सौ रुपए का डिस्काउंट दिया देखिए मोहन गार्मेंट्स से हमने कुल सामान कितने का परचेज किया था दैट इज थाउजेंड का सोलह हजार का खरीदा था वापसी कोई हमने इसको की नहीं थी लेकिन अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट फुल सेटलमेंट में नहीं हो रही है लेकिन मोहन गारमेंट्स की पेमेंट हो रही है तो मोहन गारमेंट्स रिसीवर हो जाएंगे तो एंट्री में आ जाएगा मोहन गारमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और हमें मिल रहा है डिस्काउंट तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम यहाँ लिख देंगे दैट इज अमाउंट आठ हजार की हम पेमेंट कर रहे हैं कैसे पता लगा सात हजार आठ सौ नगद दे रहे हैं दो सौ रुपए उससे डिस्काउंट मिल रही है इसका मतलब अभी भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है मोहन एंड गार्मेंट्स का नेक्स्ट देखें received फ्रॉम हीरो लिमिटेड हमने हीरो लिमिटेड को सामान बेचा था उससे कुछ पैसे मिले हैं और डिस्काउंट हमने उसको अलाउड किया है 150 रुपए का अब हीरो लिमिटेड से कैश हमें रिसीव हो रहा है तो में एंट्री कर देंगे क्या कैश अकाउंट डेबिट कितना मिल रहा है 8850 और डिस्काउंट हमें अलाउड करनी पड़ रही है साथ-साथ डिस्काउंट -साथ, अलाउड डे, अकाउंट डेबिट टू एक सौ पचास रुपए और ये सब किसके खाते में जा रहा है हीरो लिमिटेड यानी हीरो लिमिटेड से हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं तो टोटल कितने में हमें उससे लेने होंगे नौ हजार अब चेक करते हैं एक बार जरा ऊपर हीरो लिमिटेड को हमने सामान कितने का बेचा है ये देखते हैं देखिए हीरो लिमिटेड को हमने यहाँ सत्ताईस हजार का सामान सेल किया था उसने केवल अभी नौ हजार की पेमेंट की है वो भी एक सौ पचास रुपए डिस्काउंट उसने हमसे रिसीव कर... मतलब उसने रिसीव कर लिया और हमने उसको एक सौ पचास का डिस्काउंट अलाउड किया है ट्वेंटी फिफ्थ में अगर देखें तो क्या है ज uh, goods goods को तो हंसराज की कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर सिर्फ हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट क्योंकि नगद सामान बेचने पर हम उसको याद नहीं रखेंगे सिंपली हम लोग गुड्स बेचने की एंट्री कर देंगे बारह हजार रुपए का हमने उसको गुड्स सेल की है राइट ये कैश सेल हो जाएगी हमारी देर आफ्टर परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स पवन ब्रदर्स से हम गुड्स खरीद रहे हैं तो खरीदने की एंट्री में तो परचेज अकाउंट ही आएगा रखिएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा हमारा टू खरीद किससे रहे हैं पवन ब्रदर्स से उधार में खरीद रहे हैं तो टू पवन ब्रदर्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा एज अ पर्सनल अकाउंट गिवर विल बी क्रेडिटेड और सामान कितने का परचेज किया जा रहा है चौबीस हजार रुपए का तो हम चौबीस हजार की एंट्री पास कर लेंगे पेड रेंट 2000 एंड सैलरी 4000 हम यहां पर रेंट और सैलरी दोनों पेड कर रहे हैं वो भी 30 तारीख को 30th अप्रैल को तो हम यहां एक एंट्री कर देंगे दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है टोटल ₹6000 मेरे खाते से कट जाएंगे रेंट के 2000 और सैलरी के 4000 So, के आपको इसकी सारी जनरल एंट्रीज क्लियर हुई हैं तो हम जो जनरल एंट्री कर रखी हैं इनके आधार पर हम लोग लेजर की काउंटिंग करते हैं कि कौन कौन से लेजर इसमें बनेंगे देखिए आइए लेजर की काउंटिंग कैसे की जाएगी सबसे पहला कैश आया है तो एक अकाउंट हमारा किसका बन जाएगा कैश अकाउंट दूसरा कैपिटल आया है दूसरा अकाउंट हम कौन सा मेंटेन कर लेंगे कैपिटल अकाउंट थर्ड वन फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट फिर कैश आया तो कैश हम ऑलरेडी बना चुके हैं परचेजेज आया है तो फोर्थ नंबर पर परचेज अकाउंट बन जाएगा फिर कैस आया है तो कैश हम ऑलरेडी बना चुके हैं बार बार नहीं रिपीट करना है परचेजेस हम पहले बना चुके हैं रिपीट नहीं करना विशाल ट्रेडिंग अकाउंट नंबर पांच हो जाएगा हमारा मोहन गारमेंट्स नंबर छ हो जाएगा विशाल ट्रेडिंग पहले आ चुका है इसको छोड़ दें रिटर्न आ रहा है तो नंबर सात पर अकाउंट आ जाएगा विशाल ट्रेडिंग पहले बना चुके हैं कैश पहले बना चुके हैं डिस्काउंट रिसीव्ड नंबर आठ पर अकाउंट मेंटेन हो जाएगा आगे चलते हैं कैश एंड सेल्स में देखें तो कैश पहले बन चुका है सेल्स अकाउंट बनेगा तो नंबर नौ पर सेल्स अकाउंट बन जाएगा हीरो लिमिटेड नंबर टेन पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट हम पहले बना चुके हैं आइए चलते हैं आगे ड्रॉइंग्स के बारे में बात करें तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा बनेगा नंबर ग्यारह पर कैश पहले बन चुका है परचेज पहले बन चुका है मोहन गारमेंट्स पहले बन चुका है कैश पहले बन चुका है डिस्काउंट रिसीट पहले बन चुका है इनको छोड़ दीजिए कैश पहले बन चुका है डिस्काउंट अलाउड नहीं बना है तो नंबर बारह पर यह अकाउंट आ जाएगा ग्यारह नंबर था ना हमारा लास्ट स बारह नंबर पर अकाउंट हमारा मेंटेन हो जाएगा देन हीरो लिमिटेड हम बना चुके हैं पहले ही कैश बन चुका है सेल्स बन चुका है बन चुका है पवन ब्रदर्स क्वेश्चन अकाउंट नंबर हमारा बन जाएगा 14 पर रेंट फिफ्टीन पर सैलरी तो कुल मिलाकर पंद्रह अकाउंट हमारे यहाँ बनेंगे आइए जरा चेक करते हैं क्या फिफ्टीन अकाउंट इन्होंने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं सबसे पहले देखिए कैश अकाउंट मेंटेन हुआ है नंबर वन पर हमने कैश अकाउंट का नंबर डाला था ठीक है नंबर टू पर हमने कैपिटल अकाउंट का नंबर डाला था तो हमारा दूसरे नंबर पर कैपिटल अकाउंट मेंटेन हुआ है इन सभी के आप लेजर फॉर्मेट बनाकर चलें नंबर तीन पर हमारा फर्नीचर अकाउंट बना है ठीक है नंबर चार पर हमारा परचेज अकाउंट बना है नंबर पांच पर हमारा देखिए विशाल ट्रेडिंग एंड नंबर छह पर मोहन गारमेंट्स का अकाउंट बना है ठीक है नंबर सात पर चलिए परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा मेंटेन हुआ है नंबर आठ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमने मेंटेन किया है लीजिए नंबर नौ पर हमारा सेल्स अकाउंट मेंटेन हुआ है और नंबर टेन पर हीरो लिमिटेड अकाउंट हमने मेंटेन किया टोटल हमने फिफ्टीन अकाउंट चेक करने बने हैं कि नहीं बने हैं इलेवन पर हमारा ड्रॉइंग अकाउंट बना है ठीक है ट्वेल्व पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना है देखिए थर्टीन पर पोन ब्रदर्स अकाउंट बना है और फोर्टीन पर रेंट अकाउंट बना है और 15 पर लास्ट अकाउंट दैट इज सैलरीज अकाउंट बनाया है और यही अकाउंट के नंबर हमने ऊपर डाले थे जनरल एंट्रीज के दौरान तो आप इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे जनरल के अंदर कौन कौन से अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं और फिर वन वन बाय आप अकाउंट को बनाते हुए चलेंगे अब देखिए रूल्स हमने पहले पढ़ लिए थे आज हम जब हमने इसका सेकंड लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको रूल्स के बारे में बात की थी लेजर फॉर्मेट के बारे में बात की थी तो लेजर फॉर्मेट आप चेक करिए डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों तरफ चार चार कॉलम होते हैं डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट तो इस तरीके से हमारे ये चार चार कॉलम होते हैं अब हम कैश अकाउंट मेंटेन करने वाले तो ऐसे ही सारे फॉर्मेट आप मेंटेन कर लेंगे और जिस भी अकाउंट का आप नाम जो भी अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसका नाम ऊपर बड़े एक्सप्रो में लिख लेंगे डेबिट क्रेडिट ठीक है कैपिटल में लिख दें या शॉर्ट में लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये ना आप इस तरीके से अकाउंट के फॉर्मेट बना लीजिए ताकि बाद में इनमें पोस्टिंग करना आसान हो जाए ठीक है आपको ये तो जरूर पता होगा कि भाई कौन से अकाउंट में कितनी एंट्रीज बेसिकली हुई हैं। तो ऑन एन एवरेज चार से पांच एंट्री के लिए चार से पांच लाइनें हर एक अकाउंट में छोड़ दीजिए कैश को छोड़कर क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हमारी कैश में यहां पर हुई है तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन से हम बात करेंगे देखिए कैश अकाउंट सबसे पहली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था हमारा दैट इज डेबिट कैश क्या हुआ था डेबिट तो इसके डेबिट साइड में टू कैपिटल के नाम से हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी आइए मैं आपको ले चलता हूं कैश अकाउंट पर आप इसमें देखिए अप्रैल वन दो हजार तेईस में कैश अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैपिटल के नाम से हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली दो लाख रुपए की उसके बाद अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट शन में कैश आया है कि नहीं आया अप्रैल दिन में कैश आया लेकिन यहाँ पर कैश क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है और बीस हजार के साथ तो इसके क्रेडिट में हम ले जाएंगे बाय फर्नीचर के नाम से एंट्री आइए चेक करते हैं अप्रैल थर्ड ये अप्रैल थर्ड है हमारी बाय फर्नीचर के नाम से हमारी एंट्री हो गई रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया आपको यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए थम्स अप दीजिए या फिर आप लिखिए यस सर ताकि मैं आपको अंडरस्टैंड कर सकू इस बात को क्लैरिफाई कर ये आपको चीजें क्लियर हो रही है चलिए आगे चलते हैं अप्रैल थर्ड के बाद अप्रैल फिफ्थ में देखिए जरा कैश अकाउंट यूज हुआ है कि नहीं हुआ है हुआ है तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर यूज हुआ है और बाय परचेजेज हम लिख देंगे क्योंकि कैश क्या हुआ है क्रेडिट तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप देखिए बाय परचेजेज पांच अप्रैल को हमने यूज किया है पचास हजार के साथ हमने ट्रांजेक्शन लिखी है तो हफ सो आप समझ पा रहे हैं कि हम किस ट्रांजेक्शन कैसे लिखेंगे आइए मैं आपको कंबाइंडली एंट्री ट्रांसफर करना सिखाता हूं देखिए सबसे पहले देखिए कैश अकाउंट बनाया है दूसरे पर कैपिटल अकाउंट बनाया है तो इस एंट्री को दोनों अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं तो कैश अकाउंट में जब हमने ट्रांसफर किया तो लिखा टू कैपिटल अकाउंट अब हम कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे बाय

बाय फर्नीचर के नाम से क्योंकि पैसा गया था साथ फर्नीचर अकाउंट देखिए इसका फर्नीचर अकाउंट में टू कैश क्योंकि फर्नीचर की एक ही एंट्री थी एक ही एंट्री थी तो और कहीं वो आएगा नहीं तो यहाँ पर इसको लिखकर हम ऐसे छोड़ देंगे तो इस तरीके से आप फटाफट से सारे अकाउंट्स में पोस्टिंग कर पाएंगे होप्स हो कि आपको पोस्टिंग करनी आई होगी चलिए मैं उस एंट्री को पोस्ट करके दिखाता हूं जिसमें आपके पास दो डेबिट या दो क्रेडिट एक साथ आए हैं जैसे कि नंबर अप्रैल अप्रैल अब 8th की परचेज अकाउंट में जाएगी विशाल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी और मोहन गारमेंट्स अकाउंट में जाएगी तो तीनों अकाउंट में इस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे आइए चेक करते हैं परचेज में तो लिखेंगे टू विशाल ट्रेडिंग टू मोहन और अमाउंट आएगी पच्चीस हजार और सोलह हजार और जब हम विशाल ट्रेडिंग की बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे बाय पर अमाउंट आएगी पच्चीस और मोहन गार्मेंट्स अकाउंट बनाएंगे तो बाय परचेजेज मोहन मोहन गारमेंट्स में बाय परचेजेस अमाउंट आएगी सोलह हजार विशाल ट्रेडिंग अकाउंट और मोहन गारमेंट अकाउंट पे चलते हैं देखिए ये परचेज अकाउंट है परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था ठीक है परचेज अकाउंट क्या हुआ था डेबिट हुआ था मोहन गारमेंट्स की वजह से और विशाल ट्रेडिंग की वजह से आठ रुपए की एंट्री आप चेक करिए टू विशाल पच्चीस हजार और टू मोहन गारमेंट्स सोलह हजार और अब आइए विशाल ट्रेडिंग अकाउंट पर विशाल ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए आठ रुपए की ट्रांजेक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए यहां लिखा है एट्थ अप्रैल को बाय परचेजेस पच्चीस हजार और ऐसे ही मोहन गार्मेंट्स में चेक करिए क्योंकि दोनों क्रेडिट हुए थे तो क्रेडिट में ही आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी बाय परचेजेस सोलह हजार तो सो आप समझ गए हैं कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है अगर ये क्लियर हो गया आपको ये बात समझ में आ गई है तो चलिए मैं आपको इनको क्लोज करने के रूल्स समझाता हूं ठीक है क्लोज करने के रूल्स को क्लियर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं आप इस तरीके से सारे अकाउंट ये क्या कर लेंगे मेंटेन कर लेंगे आइए एक ट्रांजेक्शन और पोस्ट करके दिखाता हूं आपको एट द एंड हमने देखा था कि थर्टीथ uh, अप्रैल को

डेबिट हुआ था डेबिट साइड में टू कैश और सैलरीज डेबिट हुआ था डेबिट साइड में टू कैश दो हजार और चार हजार के साथ ये अमाउंट हमने लिख दी ठीक है तो इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड एंट्री होगी तो उसको कैसे लिखा जाएगा होप सो आपको ये क्लियर है अगर क्लियर हो गया है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दें यस सर और चलिए आज अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा और आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लोज द एंड बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट तो इससे रिलेटेड में कुछ बेसिक बातें समझा दूं फिर हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या हमने जो बात की वो सब सेम लिखी है या नहीं देखिए जब भी अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं एवर द अकाउंट्स आर टू बी क्लोज तो उसके रूल्स होते हैं कि हमारे पास तीन प्रकार के जो अकाउंट्स होते हैं एक तो एक एक तो तो पर्सनल अकाउंट 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 रियल और इन तीनों प्रकार के अकाउंट्स में केवल पर्सनल और रियल अकाउंट्स को ही हम क्लोज करते हैं इट मीनस डेबिट का टोटल कर लेते हैं इनका क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं और जिस साइड में जो भी ज्यादा है मान लीजिए डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके क्रेडिट की तरफ बैलेंस को लिख देंगे और फिर दोबारा से इनका टोटल कर देंगे ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए बराबर हो जाए ऐसे ही रियल अकाउंट में डेबिट का जोड़ कर देंगे क्रेडिट का जोड़ कर देंगे और देखेंगे कि ज्यादा कौन सा है मान लीजिए इस बार डेबिट ही ज्यादा है तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे और जो डिफरेंस है उसको क्रेडिट में लिख कर टोटल कर देंगे इस तरीके से ये हमारा बैलेंस बच जाएगा और बैलेंस लिखने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बाय बैलेंस buy balance carried down buy balance carried down ठीक है ये ऐसा हम वर्ड यूज करेंगे buy balance carried down अगर डेबिट ज्यादा हुआ और अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ तो हम यूज करेंगे टू बैलेंस कैर्रीड डाउन टू बैलेंस कैर्रीड डाउन और इस टू बैलेंस कैर्रीड डाउन को हम अगले महीने की एक तारीख को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट में लिख देंगे और अगर बाय बैलेंस सीडी हुआ या कैर्री डाउन हुआ तो उसको अगले महीने की एक तारीख को टू बैलेंस से ब्रोड डाउन के नाम से लिख देंगे ठीक है ये हुए पर्सनल और रियल अकाउंट को क्लोज करने के रूल नॉमिनल सिर्फ टोटल किया जाता है डेबिट साइड था, में अगर अमाउंट है तो डेबिट का टोटल कर दीजिए क्रेडिट साइड में अमाउंट है तो क्रेडिट में टोटल कर दीजिए आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम समझ पाए जो हमने बताई है और अली बात क्या वो इसी तरीके से करना है या कुछ डिफरेंस है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वेन आवर नीडेड अ बिजनेसमैन विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द पोजिशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स

हमारे पास फॉर्मेट जो है इस तरीके से बना होगा ये ये इसकी इसकी डेबिट साइड साइड होगी होगी क्रेडिट तो डेबिट में जितनी भी ट्रांजेक्शन आई होगी उसका हम टोटल कर लेंगे क्रेडिट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसका हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे अब चेक करेंगे कि डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट का मान लीजिए टोटल है हमारे पास सात हजार रुपए क्राइडिट का टोटल है मान लीजिए दो हजार रुपए तो इससे पता लगता है कि डेबिट साइड ग्रेटर देन है क्रेडिट साइड से कितनी ज्यादा है पांच हजार तो कम वाली साइड में पांच हजार लिखेंगे और यहां पर इसके लिए लिख देंगे बाय बैलेंस बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन और अब देखिए टोटल करके दोनों तरफ सात सात हजार रुपए का टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा और ये जो टोटल लिखा हमने बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन इसको उठाकर हम अगले महीने की यानी अप्रैल के बाद मई का मंथ आएगा तो मई महीने की एक तारीख को क्या लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितने रुपए का पांच हजार रुपए का बैलेंस बता रहा तो पांच हजार रुपए का बैलेंस हमारा यहाँ लिखा जाएगा इज क्लियर ये जो लाइने ये मतलब था इफ द डेबिट साइड द क्रेडिट साइड बैलेंस इज कोल्डिटल डेबिट बैलेंस ध्यान रखिएगा अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से तो बैलेंस कैसा कहलाएगा डेबिट बैलेंस कैसा बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस और वाइस वर्षा और वाइस वर्षा वाइस वर्षा का क्या मतलब है अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस कैसा बैलेंस होगा क्रेडिट का बैलेंस होगा राइट क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा yeah. तो इफ क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट द बैलेंस इज टू बी एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ्सो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है बातें समझ में भी आ रही है चलिए थोड़ा आगे चलते हैं एज डिस्कस अर्लियर ऑल द अकाउंट आर क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नोमल अकाउंट सो दीज आर डिफरेंट

और क्रेडिटर्स के अकाउंट आपको देखने को बेसिकली मिलते हैं राइट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स तो डेटर्स से कितना पैसा हमने लेना है लेना है और क्रेडिटर्स को कितना पैसा हमने देना है ये जो है दो बातें हमें इन अकाउंट से पता लगती हैं तो इसलिए हम बोलते हैं हम जब इन अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं तो हाउ मच अमाउंट इज ओइंग फ्रॉम ओइंग फ्रॉम जब आए तो इसका मतलब है कितना पैसा आपने लेना लेने हैं और अगर ओइंग टू आए तो इसका मतलब कितना पैसा आपने देना है ठीक है ये बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है इफ अ पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस इट इंडिकेट्स अमाउंट ओइंग फ्रॉम हिम अगर किसी पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस दिखा रहा है ज्यादा तो इसका मतलब हमने उससे पैसा लेना है ऑन द अदर हैंड और कंट्रेरी पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इट इंडिकेट ओइंग टू द टू हिम हमें उसको कितना पैसा देना है ठीक है ये इस बात को डिनोट करता है

पर्सनल अकाउंट में साइड सात हजार का टोटल था इधर दो हजार का टोटल था ये ज्यादा था तो पांच हजार तो और इसको हमने अगले महीने में क्या किया टू बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से ब्रोड डाउन कर लिया राइट तो हफ्सा जो मैंने बताया वो आपको यहाँ क्लियर हो रहा है थियोरटिकल में जो लिखा हुआ है वो सारी बातें सेम है वर्स टू बैलेंस सी डी आर रिटर्न अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस ये किसके बारे में बात हो रही है यदि ऑन द अदर हैंड इफ द्रेडिट साइड इज इन एक्सेस ऑफ डेबिट साइडरेंसवीन टू इज इंसर्टेडिट साइड इन ऑर्डर टू मेक द बैलेंस इक्वल ठीक है और उसके लिए हम टू बैलेंस सी डी का यूज करेंगे और अगले महीने या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उस बैलेंस को ब्रोट डाउन करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड बाई राइटिंग द बायेंस ब्रोट डाउन दैट इज द वाइस वर्स ऑफ द अबो स्टेटमेंट सो पर्सनल अकाउंट आर सो ओन ओपन इन वन अगर पहले रिलिस्ट्रेशन में हम देखें कि कौन कौन से पर्सनल अकाउंट ओपन हुए थे तो एक तो कैपिटल अकाउंट हमारा पर्नल अकाउंट था क्योंकि सीताराम का अकाउंट था दूसरा विशाल ट्रेडिंग का अकाउंट था

उस बैलेंस को और एट द एंड ऑफ द मंथ की डेट डालकर जिस मंथ में हम टोटल कर रहे हैं मंथ की डेट डालकर लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और अमाउंट आ जाएगी कितनी दो लाख रुपए और यहां डबल लाइन लगा देंगे देखिए दोनों तो डबल लाइन लगाने से क्या हुआ कि ये अकाउंट क्या हो गया हमारा क्लोज हो गया और अगले महीने यानी कि मही मई में एक तारीख को इसको क्या करके चलेंगे बाय बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन

और इधर भी कितना बनता है पच्चीस हजार रुपए तो आप देख सकते हैं कि इसकी डेबिट जो है वो डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल है अगर दोनों बराबर हो तो आपको कहीं कुछ क्लोज करने की जरूरत नहीं है इसको आप एज इट इज टोटल करके छोड़ देंगे इट इज ऑटोमेटिकली टोटल मोहन गारमेंट्स में देखिए सोलह हजार क्रेडिट में है सात हजार और आठ सौ और दो सो मतलब आठ हजार रुपए इसके डेबिट में है तो क्रेडिट ज्यादा है तो आप यहां लिखेंगे अप्रैल तीस जिस महीने में आप ये टोटल कर रहे हैं अप्रैल तीस और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस से टू बैलेंस से कैरिट डाउन और बैलेंस बच जाएगा कितना आठ हजार रुपए का ये बैलेंस बच जाएगा, राइट अब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा नाउ यू हैव टू टेल मी कौन सा बैलेंस है क्रेडिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से इट इज टू बी नोन एज क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अगर है तो नेक्स्ट मंथ में हम इसको मे वन में मैं यहां लिख देता हूं मे वन में हम लिख देंगे क्या बाय बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से और आठ हजार रुपए की हमारी यहां एंट्री हो जाएगी हम सोल्यूशन भी देखेंगे इसका फिलहाल आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे बताइए मुझे परचेज रिटर्न अकाउंट देख लेंगे बाद में डिस्काउंट नहीं है पर्सनल सेल्स पर्सनल नहीं है हीरो लिमिटेड एक पर्सनल अकाउंट है आइए देखते हैं इसका देखिए डेबिट साइड का टोटल अगर देखें तो बनता है सत्ताईस हजार रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल अगर देखें तो बनता है नौ हजार रुपए अब डेबिट ज्यादा है डिट तो हम यहां पर लिखेंगे अप्रैल तीस इस महीने की आखिरी तारीख जिसमें हमने अकाउंट मेंटेन किया और और लिख देंगे बाय बैलेंस डाउन डिफरेंस आ जाएगा सत्ताईस सेवन थाउजेंड और यहां पर भी टोटल कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इज ओके अब डेबिट ज्यादा था तो इसका बैलेंस कैसा माना जाएगा डेबिट बैलेंस कैसा बैलेंस माना जाएगा डेबिट बैलेंस तो यहां मे वन को डेबिट में हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन रुपीज एटीन थाउजेंड अठारह हजार का बैलेंस हम यहां पर लिख के चलेंगे इज इट क्लियर अकाउंट को आप क्लोज करके देखिए ड्रॉइंग अकाउंट में केवल हमारे पास क्या है एक कैश अकाउंट में हमने दस हजार विदड्रॉ किए थे ठीक है कुछ गुड्स हमने विद्रॉ की थी परचेज में आइए चेक करते हैं कितनी हमने गुड्स निकाली है दो के करीब शायद गुड्स निकाली थी ड्रॉइंग अकाउंट की जनरल एंट्री चेक करते हैं क्या थी हमारी ये एंट्री थी हमारी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टेन थाउजेंड और फोर यानी गुड्स फोर थाउजेंड की तो इस पर हम ड्रॉइंग अकाउंट्स को कंप्लीट कर देते हैं एक बार लीजिए यहां पर टू परचेजेज अकाउंट फोर थाउजेंड की हमने गुड्स निकाली ठीक है ये लिखा हुआ था अब इसका डेबिट ही ज्यादा है क्रेडिट से राइट में कुछ है ही नहीं तो सिंपली यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिट डाउन फोर्टीन थाउजेंड रुपीज और यहाँ अप्रैल आ जाएगी हमारे पास दो हजार तेईस में अब दोनों तरफ तो तो टोटल क्या हो गया इक्वल हो गया फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड अब क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो इसका बैलेंस भी कैसा होगा डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रोथ डाउन अगले महीने की एक तारीख को चौदह हजार रुपए का बैलेंस हम टोरिंग अकाउंट में इस तरीके से शो कर देंगे मे

टू बैलेंस रोट डाउन फोर्टीन थाउजेंड इज इट क्लियर बताइए आपको क्लियर है सारी बातें समझ में आ रही हैं चलिए तो आप आगे ऐसे ही पॉन ब्रदर्स का अकाउंट है इसको भी क्लोज कर सकते हैं आइए बात करते हैं हाउ टू क्लोज द रियल अकाउंट्स अब रियल अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया जाएगा देखिए रियल अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ कैश इन हैंड एंड अकाउंट्स ऑफ ऑल अदर एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट एक्ट्रा सो मेथड ऑफ क्लोजिंग ऑफ कैश अकाउंट एंड अकाउंट्स ऑफ ऑल अदर असेट्स इज द सेम एज द पर्सनल अकाउंट जैसे हमने पर्सनल अकाउंट क्लोज किए वैसे ही इन अकाउंट्स को भी हम क्या कर लेंगे क्लोज कर लेंगे वेन बैलेंस दीज विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस इज जब भी हम इनको क्लोज करेंगे तो एक कैसा बैलेंस शो करेंगे डेबिट बैलेंस 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 क्योंकि एसेट्स एसेट्स होती हैं 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 और के जो होते होते दैट ऑलवेज टू बी डेबिटेड उनके हमेशा कैसे डेबिट डेबिट या फिर एंड क्रेडिट क्या होगा इनका इक्वल होगा आपको इनको इक्वल देखने को मिलेगा या फिर डेबिट हमेशा ज्यादा मिलेगा तो डेबिट बैलेंस के बारे में ये बात करेंगे तो रियल अकाउंट जो हमने रिल स्टेशन वन में ओपन किए थे आइए इनको क्लोज करने के बारे में समझते हैं पोस्टिंग हम सीख चुके थे कैस अकाउंट में हमने सारी पोस्टिंग कर ली थी इधर से एक पंद्रह बाईस पच्चीस को पोस्टिंग हुई इधर से तीन पंद्रह चौदह बीस इक्कीस तीस, तीस तीस को हमने पोस्टिंग कर ली थी टोटल करके देखा तो इसका टोटल बना दो लाख साठ हजार आठ सौ पचास और यहाँ पर यहाँ तक का टोटल कर लीजिए आप यहाँ तक का देखिए पचास और बीस सत्तर सत्तर और दस अस्सी और दस नब्बे नब्बे और एक, एक लाख छ हजार आठ सौ एक लाख आठ हजार आठ सौ एक लाख बारह हजार आठ सौ एक लाख बारह हजार आठ सौ का क्रेडिट का टोटल बनता है तो आप मुझे बताइए डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ देखने को मिलती है कि डेबिट साइड हमारी ज्यादा है और क्रेडिट साइड हमारी कम है तो डेबिट का, टो का टोटल है दो लाख साठ हजार आठ सौ पचास रुपये और क्रेडिट का टोटल आया एक लाख बारह हजार आठ सौ रुपये तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास दस में से दो गए आठ पांच में से एक गया चार दो में से एक गया एक वन लाख फोर्टी एट थाउजेंड फिफ्टी रुपीज तो को क्या लिख देंगे बैलेंस वन और थी, तो फर्स्ट को टू बैलेंस के नाम से इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे ऐसे ही फर्नीचर अकाउंट देखिए क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में हमने देखा एक ही ट्रांजेक्शन हमारी थर्ड अप्रैल को आई थी तो उसके हमने लिख दिए ट्वेंटी थाउजेंड अब उस बैलेंस को हम कैरी डाउन कर देंगे बीस रुपए का तीस अप्रैल को क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है तो ये मे फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रोडाउन के नाम से हम बता देंगे नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स कैसे बंद किए जाते हैं तो पहले बता दूं आपको नॉमिनल नीड नॉट टू बी क्लोज ओनली दे आर टोटल्ड ये क्या किए जाते हैं टोटल्ड किए जाते हैं इनको हम बंद नहीं करते इनका डेबिट का टोटल है तो डेबिट में लिख देते हैं और तो क्रेडिट का टोटल हो तो हम क्रेडिट में लिख देते हैं नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसिस

ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है इनको हम, details, हम तो तो ट्रांस्वे ट्रांस्वे इन तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके एट द एंड ऑफ द में समझेंगे इतना टोटल इन टू ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आइए परचेज अकाउंट के बारे में देखते हैं देखिए परचेज अकाउंट की ट्रांजेक्शन हमने लिखी पांच को आठ को आठ को अट्ठाइस को और इधर बीस को तो इसका टोटल हम कर लेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट में एक ही ट्रांजेक्शन थी बस आप यहाँ लिख के छोड़ दीजिए डिस्काउंट रिसीट में देखिए दस एक हजार प्लस दो सौ है तो आप चाहे तो इसका टोटल करके छोड़ दें यहाँ पर बारह बारह सो बैलेंस इसका नहीं होगा सेल्स अकाउंट में भी आप बैलेंस टोटल कर सकते हैं इनका बैलेंस इसका नहीं निकलेगा और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रेंट अकाउंट ये सभी देखिए एक सिंगल सिंगल एंट्रीज के साथ है तो इनको हम एज इट इज यहां पर छोड़ देंगे नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो इलेन वन हमने सीखी उसमें जो हमने अकाउंट्स ओपन किए इतने सारे उनको हमने क्लोज किया उनके बैलेंस बैलेंस निकाले जहां जहां हमने लिखा है उनका वही बैलेंस है जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट में मैंने बैलेंस ब्रोड डाउन किस साइड में लिखा है डेबिट साइड में तो कैश अकाउंट का बैलेंस कैसा है डेबिट तो जब भी मैं इस बैलेंस को लिखूंगा तो मैं डेबिट के कॉलम में लिखूंगा राइट ऐसे ही अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट में देखिए हमने

होगा या क्राइट में टोटल होगा तो उन बैलेंसेस के वैसे ही बैलेंस हमारे एग्जैक्टली उतार लिए जाएंगे ठीक है चलिए व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इनटू लेजर इज कंप्लीटेड एंड द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑफ इट बिकम्स नेसेसरी टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है जो कि बेसिकली किसके द्वारा पता लगती है ट्रायल बैलेंस के द्वारा और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारी कहीं जमा और घटा में कोई गलती तो नहीं हुई है ऑफ द अकाउंटिंग वर्क फॉर दिस पर्पज बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट इन लेजर इज पुट ऑन आ लिस्ट और इसके लिए हम जितने भी अकाउंट हमने मेंटेन किए हैं बैलेंस किए हैं उनके एक जो है ना लिस्ट बना लेंगे और जिन जिन का बैलेंस आया है उन बैलेंस बैलेंस को हम लिख लेंगे द लिस्ट इज एज ट्रायल यानी कि उस लिस्ट में जितने भी अकाउंट आए मान लीजिए कैश का पवन का विशाल ट्रेडिंग का परचेज का सेल का तो उनके ये दो कॉलम हम यहाँ मेंटेन कर लेते हैं एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम जिनका बैलेंस हमने टू बैलेंस ब्रोडाउन करके शो किया है वो डेबिट में आ जाएगा और जिनका बैलेंस हमने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके शो किया वो क्रेडिट में आ जाएगा राइट और नॉमिनल अकाउंट में अगर डेबिट में टोटल है तो डेबिट में लिख देंगे क्रेडिट में टोटल है तो क्रेडिट में लिख देंगे अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में भी टोटल है और क्रेडिट में भी टोटल है तो नेट लिख देंगे यानी डेबिट ज्यादा है क्रेडिट को माइनस करके नेट बैलेंस उसका मेंटेन करके दिखा देंगे राइट सो लेजर अकाउंट विच शोज अ डेबिट बैलेंस इज पुट ऑन डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंट विच शोज अ क्रेडिट बैलेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इट क्लियर सो अकाउंट विच शोज नो बैलेंस दोनों तरफ हो गया मैच हो गया तो उस अकाउंट को हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं जैसे कि हमने देखा भी था एक अकाउंट का बैलेंस दोनों तरफ मैच हो रहा था दोनों तरफ टोटल इक्वल हो गया था इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इक्वल्स टू टोटल ऑफ इट्स इट इज प्रूव दैट बुक्स आर एटलीस्ट अर्थमेटिकली करेक्ट

इफ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर इलिस्ट्रेशन वन अगर हम इलिस्ट्रेशन वन के लिए ट्रायल बैलेंस बनाए तो विद हेल्प ऑफ लेजर इट विल एज अब तो कैसे दिखाई देगा आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ शिया राम एंड सन्स हम बनाएंगे एज एट थर्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट यहाँ लिखेंगे लेजर फोलियो या लिखेंगे डेबिट या लिखेंगे क्रेडिट सो इट मीनस इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ठीक है ये किसका पार्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है क्लियर डबल एंट्री सिस्टम का ये पार्ट होता है और इसमें देखिए जितने भी अकाउंट्स हमने ओपन किए थे फिफ्टीन अकाउंट्स नंबरिंग कर देता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह जबकि हमने टोटल अकाउंट जो मेंटेन किए थे वो थे हमारे पंद्रह लेकिन हमने ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट में लिखे हैं वो लिखे हैं चौदह इसका मतलब एक अकाउंट ऐसा रहा होगा जिसका डेबिट और क्रेडिट क्या था इक्वल आइए जरा चेक करते हैं कौन सा अकाउंट वो ऐसा था जिसमें डेबिट और क्रेडिट हमारा क्या आया था इक्वल आया था देखिए तो क्या वो शायद पर्सनल अकाउंट में था हमारा अकाउंट ऐसा है ना पर्सनल अकाउंट में एक अकाउंट ऐसा था हमारा जो डेबिट और क्रेडिट इक्वल चल रहा था विशाल ट्रेडिंग मोहन गारमेंट्स हीरो लिमिटेड ड्रोइंग अकाउंट्स पवन ब्रदर्स अकाउंट चलिए कैश इसमें देखते हैं कैश फर्नीचर अकाउंट क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट तो था ही नहीं हमारे पास एक अकाउंट था चेक चेक करते करते हैं हैं कोई बात नहीं फर्स्ट वन से देखिए कैश अकाउंट हमने देखा था कैपिटल अकाउंट हमने देखा था परचेज अकाउंट हमने, हमने देखा था विशाल ट्रेडिंग अकाउंट हमने देखा था और ये देखिए विशाल ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट नंबर फिफ्थ इसके डेबिट में पच्चीस हजार रुपये बन रहे थे क्रेडिट में भी पच्चीस हजार रुपए बन रहे थे और आप देखिए उसमें विशाल ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है ना तो इसका मतलब वो अकाउंट टोटल ऑटोमेटिकली हो गया था तो जो टोटल ऑटोमेटिकली हो गया था उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है अब ये जो बैलेंस आपने लिखे है जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था मोहन गारमेंट्स का भी क्रेडिट था तो इनको क्रेडिट में लिखे क्योंकि इनका बैलेंस हमने जब लिखा था तो बाय बैलेंस बाई लिखा होगा और जिनका बैलेंस टू बैलेंस लिखा होगा उनको हम डेबिट में लिखेंगे और एट द एंड हम इनका क्या कर लेंगे टोटल टोटल दिस विल विल कम्स इक्वल देन वी से दैट बाय द वे वे ऑफ में ये जो है हमारा बैलेंस क्या है बिल्कुल करेक्ट है लेकिन मैं फिर भी एक नोट दे देता हूं आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस स राइट conclusive proof. Conclusive proof right? ये कंक्लूजिव प्रूफ नहीं है करेक्टनेस का क्यों क्योंकि तो इसमें केवल अर्थमेटिकल एक्सी ही चेक होती है हो सकता है कि, कि किसी ट्रांजेक्शन को मैं लिखना भूल जाऊं या किसी की मैं एंट्री गलत कर दू तो वो या किसी किसी के अकाउंट में डेबिट में लिखना था मैं क्रेडिट में लिख दू क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दू तो भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो कुछ एरर्स होती हैं इसके अंदर एर तो उन एरर्स की वजह से हो सकता है कि एरर्स हो भी जाएं और फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो केवल के बारे में बताता है प्रूफ के बारे में ये नहीं बताता इसके बारे में डिटेल से बढ़ेंगे हम सब्सिक्वेंट चैप्टर में कोई बात नहीं आप उसको वहां पर रखेंगे तो आज मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम लोग बेसिकली जनरल से लेजर लेजर से बैलेंसिंग और बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे तो होप सो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं तो एक बार मेरे साथ आप रिपीट कर दीजिए कि आपने क्या क्या चीजें हाँ पर बेसिकली सीखी हैं देखिए सबसे पहले आपने यहां पर जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखा है हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज उनमें आपने पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो किए सेकेंड आपने सीखा कि जर्नल से लेजर कैसे मेंटेन किए जाते हैं लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है ठीक है उसके रूल्स हमने पढ़े थे और पोस्टिंग करके हमने देखी थर्ड हमने देखा जाता है, को जाता है, को केवल, कर देते हैं बैलेंसिंग इसकी नहीं करते हैं चौथे पॉइंट पर हमने देखा कि हाउ टू द ट्रायल बैलेंस ठीक है नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस बैलेंसेस रिलेटिंग टू द अकाउंट्स आप चाहे तो इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं ये केवल आपको यही बताएंगे कि जो अकाउंट्स के बैलेंसीज है वो क्या बता रहे हैं पर्सनल अकाउंट के आपको बेसिकली दो बातें बताते हैं तो ओइंग फ्रॉम या ओइंग टू ठीक है ऐसे ही उनके डेबिट क्रेडिट बैलेंस ये क्वेश्चन हमसे बेसिकली इन पे बन जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमें क्या बताता है डेबिट बैलेंस बताता है ओइंग टू द फर्म बाय पर्सन एंड क्रेडिट बैलेंस हमें बताता है ओइंग टू द फर्म

गेन या इनकम के बारे में बात करेगा इट क्लियर इन ब्रीफ इट कैन बी सेट दैटेबिट बैलेंस इज इधर लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम ऑन तो ये मैंने हालांकि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना था आज यहाँ डिस्कस कर लिया है कोई बात नहीं यहां तक आप लोग अपना पढ़ के रखें और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन आप कंप्लीटली सोल्व करें उसमें आप क्या क्या बनाएंगे आप उसमें बनाएंगे जर्नल एंट्री उसमें आप बनाएंगे लेजर अकाउंट और साथ साथ इन अकाउंट्स का आप करेंगे बैलेंसिंग ठीक है और थर्ड नंबर पर आप क्या बना लेंगे ट्रायल बैलेंस और चेक करेंगे फ्रॉम द अर्थमैटिकल व्यू वेदर दैट इज करेक्ट और नोट ठीक है अब जो नेक्स्ट हम रखेंगे वो हमारे रखेंगे पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री हाउ टू पोस्ट द ओपनिंग एंट्री इन टू लेजर सो आज के लिए केवल इतना ही दैट इज ऑल अबाउट फॉर टू थैंक यू थैंक यू वेरी मच हां जी किसी को कोई डाउट है अगर डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इस पॉइंट में हमें डाउट है ताकि मैं उसके बारे में दोबारा से एक बार डिस्कस कर सकूं अदरवाइज इस वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर वन और वीडियो नंबर टू ऑन द चैप्टर थर्टीन लेजर जरूर देखिएगा ताकि आपकी क्लियरेंस बने ताकि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टू थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर हैव गुड डे